हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल साधना पाल। मैं साधना, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके, जो कि सिल्क साड़ी ड्रेपिंग है। एंड इसमें मैंने सिल्क साड़ी से आपको 3 डिफरेंट वेज में ड्रेस को ड्रेप करना बताया हुआ है। तो एक तो मैंने सिंपल सी साड़ी को बताया हुआ है, एंड दूसरा जो है उससे मैंने एक आपको ड्रेस बनाना बताया हुआ है, जो कि एक लॉन्ग ड्रेस है। एंड थर्ड में मैंने आपको कोली स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग बताई है, जो कि महाराष्ट्र साड़ी ड्रेपिंग है। तो आप तीनों स्टाइल में ही देखिएगा, एंड वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे तीनों साड़ी ड्रेपिंग से सबसे अच्छा कौन सा ड्रेपिंग लगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये मैं आपको साड़ी दिखा दूँ, ये मेरी पूरी साड़ी सिल्क में साड़ी है। एंड ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, समर सीज़न के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट साड़ी है ये। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी साड़ी बताऊंगी। ये साड़ी सिंपल है, बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग साड़ी है एंड बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट साड़ी है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको साड़ी का फर्स्ट राउंड काफ़ी टाइटली लेना है। मैंने साड़ी का फर्स्ट राउंड ले लिया हुआ है, एंड आपको इसको थोड़ा सा खींचते हुए ही लेना है फ्रेंड्स। देन इसके बाद में आपको अपना पल्ला बनाना है। तो ये हमारे पल्ले वाला पार्ट्स है। अभी इसकी हम जो प्लेट्स बनाएंगे वो ऐसे ही जो है रफली प्लेट्स बनाएंगे, ताकि हमें अपने पल्ले की लेंथ थोड़ी सी आइडिया लग जाए लेंथ का। तो आपको अपने पल्ले की लेंथ अपने घुटने से नीचे रखनी है। देन इसके बाद में जो हमारा बॉर्डर है, आपको बॉर्डर को पकड़ के साइड से आपको इस तरीके से अपनी बेली बटन के पास लाना है बॉर्डर के फैब्रिक को। यहाँ से आपको ट्विस्ट करना है साड़ी के फैब्रिक को। देन इसके बाद में अपनी बेली बटन के सामने इसको टक इन कर लेना है। इसके बाद में आपको अपनी सारी फ्रंट की प्लीट्स बनानी है। तो आप देख सकते हैं, ये साड़ी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सॉरी फ्रेंड्स, इसका कोड है तो मैं इसका कोड डाल दूंगी आपको, क्योंकि ये साड़ी मैंने मीशो से परचेज़ की हुई थी। तो फ्रेंड्स, मीशो में कोई लिंक नहीं होता है, इसमें कोड होता है। तो मैं आपको कोड इसका मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने अपनी फ्रेंड की सारी प्लेट्स को बना लिया हुआ है। देन इसके बाद में अब हमें क्या करना है, एक एक करके प्लेट्स को हमें इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए सारी प्लेट्स को अच्छे से सेट करना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने वन बाय वन करके सारी प्लेट्स को बहुत ही अच्छे से सेट किया हुआ है। देन इसके बाद में नीचे आपको एक सेफ्टी पिन लगा देना है बीच में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं मैंने साड़ी को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ है। एंड इसके बाद में आपको इस तरीके से अंदर की तरफ आपको हाथ से साड़ी के सारे फैब्रिक को कवर कर लेना है। देन इसके बाद में अब जो हमारी फ्रंट की प्लेट है उसको आप अपने वेस्ट में टकिन कीजिएगा अपने पेटीकोट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने सारी प्लेट्स को अच्छे से टकिन कर लिया हुआ है। देन इसके बाद में साइड से आपको थोड़ा सा फैब्रिक को बॉर्डर को नीचे की ओर खिसकाना है। एंड इसके बाद में ये आपकी टाइट फिटिंग साड़ी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी साड़ी कितनी ज़्यादा टाइट फिटिंग के साथ में बनी है। एंड जैसे आप लोग डेली वेयर में साड़ी यूज़ कर मतलब ड्रेप करते होंगे तो आपका लूज रह जाता होगा, इस तरीके से अगर आप साड़ी को ड्रेप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। इसके बाद में आपको सेफ्टी पिन को रिमूव कर देना है। देन इसके बाद में आपको बैक साइड में किस तरीके से फैब्रिक को लेके आना है आप लोग देख सकते हैं, मैंने बॉर्डर को पकड़ा हुआ है राइट साइड से। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को थोड़ा सा नीचे की तरफ ही लाइएगा। एंड इस तरीके से बॉर्डर को आप अच्छे से सेट, बिल्कुल भी बॉर्डर फोल्ड नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल अच्छे से आपको सेट करना है बॉर्डर। देन बॉर्डर को आपको इस तरीके से लाना है, आप देख सकते हैं पीछे से कितनी टाइट साड़ी है ये। इसके बाद में आपको प्लीट्स बनानी है अपनी। तो प्लीट्स आप किस तरीके से बनाएंगे ये आप देख सकते हैं, मैंने प्लीट्स को दोबारा फिर से बनाया हुआ है। इस तरीके से आपको थोड़े से फैब्रिक को पकड़ के एंड इस तरीके से आपको, अगर आपको ईजी लगे तो आप उस तरीके से बना सकते हैं, बट अगर आपको उस तरीके से प्लीट्स बनानी नहीं आती है तो आप इस तरीके से भी प्लेट्स को बना सकते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल प्लेट्स को बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको वन बाय वन करके सारी प्लेट्स को एक एक करके अच्छे से अरेंज कर लूँगी। तो ये साड़ी का फैब्रिक जो इसका पल्ले वाला फैब्रिक है वो थोड़ा सा टाइट फैब्रिक में साड़ी है। अगर आपका साड़ी का फैब्रिक थोड़ा सा टाइट है तो आपको किस तरीके से प्लेट्स बनानी है आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी सी प्लेट्स बनाई हैं। एंड प्लेट्स बनाने के बाद में मैंने जितनी प्लेट्स हमारी बनती गई हैं उतने मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जितनी जो प्लेट्स बनाई हैं मैंने सारे फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करती गई हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी जो प्लेट्स होती हैं बहुत ही अच्छे से प्रेस हो जाती हैं एंड बिल्कुल भी उनकी क्रीज टाइप की बन जाती है, जिससे कि आपकी प्लेट्स बिल्कुल भी बिगड़ने वाली नहीं है, बहुत ही अच्छे से इजली से बन जाती हैं प्लेट्स। तो आप देख सकते हैं, सारी प्लेट्स को पहले बना लेते हैं, उसके बाद में आपसे बात करते हैं कि उसके बाद में आपको क्या करना है। तो आप हमारी सारी प्लेट्स पहले बन जाएँ।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी प्लेट्स को मैं अच्छे से बना रही हूँ एंड इस तरीके से आपको सारी प्लेट्स को जो है बना के आपको लास्ट तक इसको जो है प्रेस करना है जहाँ तक आपको प्लेट्स बनानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से जो है प्लेट्स को जो है प्रेस किया हुआ है। अब ये हमारी प्लेट्स जिस तरीके से हमने बनाई थी उसी तरीके से बनी रहेंगी। अब आपको इसमें पल्ले वाले जो है फैब्रिक में बिल्कुल भी सेफ्टी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से प्लेट्स को बनाते हैं। देन इसके बाद में आपको इसको अपने शोल्डर पे लेना है, तो आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद में आपको आगे से थोड़ा सा सेट करना है अपनी प्लेट्स को एंड इसके बाद में आपको शोल्डर पर एक सेफ्टी पिन लगाना है। तो ये सेफ्टी पिन मैंने शोल्डर पर लगा लिया हुआ है। देन इसके बाद में आप देख सकते हैं मेरी साड़ी कितनी ज़्यादा टाइट फिटिंग के साथ बनी है। एंड इसके बाद में जो आपको बॉर्डर ऊपर का है थोड़ा सा अगर लूज़ हो जाता है तो आपको किस तरीके से सेट करना है, आपको बॉर्डर को पकड़ के खींचना है। देन आपको अपनी बेली बटन के पास में अंदर की तरफ बॉर्डर के फैब्रिक को सेट कर देना है, टक इन कर देना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये है साड़ी का फाइनल लुक। एंड मैंने इस पर एक वेस्ट चेन को लिया हुआ है, तो वेस्ट चेन को हमेशा पहनने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपने आगे की जो आपके पल्ले की फैब्रिक की सारी प्लेट्स हैं उनको अच्छे से सेट कर लेना है। देन उसके बाद में आपको वेस्ट चेन जो है वेयर करनी है। एंड अब मैं आपको इसको इस पर लॉन्ग सॉक्स वेयर करके बताऊंगी। ये साड़ी मैंने लॉन्ग सॉक्स के साथ में ही आपको बताई है। एंड इस तरीके से ये हमारे लॉन्ग सॉक्स हैं जो कि समर सॉक्स हैं। इस तरीके से आप एक लॉन्ग सॉक्स को वेयर कर सकते हैं साड़ी के अंदर, अगर आप सॉक्स आपको पहनना अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से लॉन्ग सॉक्स को। फ्रेंड्स अब आप इसका फाइनल लुक देखिएगा। एंड मैंने इसमें जो है ग्लव्स भी वेयर किए हुए हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैंने इसमें लॉन्ग सॉक्स एंड लॉन्ग ग्लव्स दोनों को वेयर किया हुआ है, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। ये इससे आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा सॉक्स एंड ग्लव्स वेयर करने का। तो वीडियो को अब आप इसका फाइनल लुक देखिएगा फ्रेंड्स। तो इसके बाद बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 2 की तरफ फ्रेंड्स। तो स्टाइल नंबर 2 के लिए आप लोग देख सकते हैं मैंने ये सेम साड़ी ली है एंड मैंने साड़ी को साड़ी के स्टार्टिंग के पार्ट को पकड़ा हुआ है। इसके बाद में मैं इसको आगे से अपनी चेस्ट पे रख के लाई हूँ। पीछे से आपको इसको क्रॉस टाइप से बनाना है। इसके बाद में जो आपके दोनों कॉर्नर है इनको आपको जो है आगे से अपने चेस्ट के पास में एक एक साइड में इनको सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी स्लीवलेस जो है जो मतलब जो भी मेरी ड्रेस ये बन रही है वो स्लीवलेस ड्रेस बनेगी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो है इस तरीके से बनाया हुआ है। देन इसके बाद में आपको एक इलास्टिक कवर लेना है अपनी वेस्ट में पहनना है। तो इलास्टिक कवर को पहनने के बाद में आपको क्या करना है, जो हमारी साड़ी का फैब्रिक बचा है उसको हमें बॉर्डर को पकड़ना है एंड टाइटली आपको इसको एक बार आपको एक राउंड लेके इसको थोड़ा सा रैप करते हुए आना है पीछे से आगे तक। तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर को मैंने पकड़ा हुआ है एंड इसके बाद में अब हम फर्स्ट राउंड इसका ले लेंगे। टाइटली आपको लेना है फर्स्ट राउंड एंड इस तरीके से लीजिएगा कि आपकी जो इलास्टिक रबर है वो थोड़ी सी हाइड हो जाए आपकी। तो आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट राउंड ले लिया हुआ है। इसके बाद में अब हम जितनी भी हमारी फैब्रिक बचेगी हम सारी फैब्रिक की प्लीट्स बना लेंगे एंड प्लीट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, मैं आपको सबसे पहले मैं प्लीट्स बना लेती हूँ, इसके बाद में आपको बताऊँगी कि आगे आपको क्या करना है।
तो ये आप देख सकते हैं हमारी प्लेट्स सारी बन चुकी हैं। देन इसके बाद में आपको प्लेट्स को किस तरीके से अपने इलास्टिक कवर में टकिंग करना है ये मैं आपको बता दूँ। आपको प्लेट्स को फैलाते हुए आगे का आपका जितना भी वेस्ट एरिया है आपको सब मतलब पूरे वेस्ट एरिया में आपको प्लेट्स को फैलाना है। फैला के आपको सारी प्लेट्स को अपने इलास्टिक कवर के अंदर आपको टकिंग करना है। आप चाहें तो इसके अंदर सेफ्टी पिन लगा ले जो ये लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगा, ये सिक्योर हो जाएगा। देन इसके बाद में आपको एक वेस्ट बेल्ट लेनी है, आपको अपनी वेस्ट में एक वेस्ट बेल्ट को लगाना है। तो ये है हमारा इसका फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं ये एक लॉन्ग ड्रेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो अब आप इसका देखिएगा फाइनल लुक। अब हम बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 3 की तरफ। तो स्टाइल नंबर 3 के लिए मैंने वही उसी साड़ी से बताया हुआ है आपको। आप देख सकते हैं मैंने एक जैगिंग को वेयर किया हुआ है एंड इसका 1/4 आपको करना है। ये एक काष्टा साड़ी ड्रेपिंग है तो मैंने जैगिंग पे बताया हुआ है इसको। इसके बाद में आपको अपने कम वाले फेब्रिक को अपने लेग के नीचे से निकालना है एंड आपको सारे फेब्रिक की प्लेट्स बना लेनी है। जितना भी फेब्रिक आपने लिया हुआ है तो प्लेट्स इस टाइप से आप बनाइएगा। 1/1 करके सारी प्लेट्स को आपको अच्छे से अरेंज करना है। देन आपको बॉर्डर को हाईलाइट रखना है अपने, तो ये मैंने बॉर्डर को हाईलाइट रखा हुआ है। देन इसके बाद में अब इसको आपको अपनी बैली बटन के सामने टकिंग करना है सारे फेब्रिक को अंदर की तरफ। तो ये मैंने फेब्रिक को टकिंग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में आपको दूसरे साइड में भी सेम प्रोसेस करना है। ऐसे ही आपको अपने लेग के नीचे से फेब्रिक को निकालना है। अब हम पल्ले वाला पार्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पल्ला है इसका एंड अब हम पल्ले की सारी प्लेट्स अच्छे से बना लेंगे। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें प्लेट्स थोड़ी सी चौड़ी बनती हैं पल्ले की एंड पल्ला इसमें थोड़ा सा चौड़ा ही रहता है। अगर आप चौड़ा रखेंगे तभी बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। ये साड़ी महाराष्ट्र में वेयर की जाती है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी महाराष्ट्र स्टाइल में। मुझे ड्रेप करना साड़ी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितनी भी आपको साड़ी ड्रेपिंग दिखाती हूँ उसमें एक कोई ना कोई अलग मतलब न्यू स्टाइल से आपको मैं महाराष्ट्र स्टाइल ज़रूर दिखाती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए। आजकल जो आजकल के फैशन के अकॉर्डिंग हम साड़ी को बहुत ही अच्छे से ड्रेप कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, बहुत ही अच्छी अच्छी स्टाइल्स मैंने बताई हैं। इसके बाद में आपको सारी प्लेट्स को बैक साइड में अपनी वेस्ट में टक इन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। अगर आपने इसको एक दो बार ड्रेप कर लिए तो आपको बहुत ईजी लगेगी साड़ी वेयर करने में एंड इस तरीके से ये हमारी साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इसके बाद में आपको अगर इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देना है तो आप एक वेस्ट चेन का